अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा ऑरेंज टोनर लेकर आई हूँ। ये विटामिन सी से भरपूर है। सर्दियां जब तक ऑरेंज हैं आप फायदा उठाएं, जब ऑरेंज चले जाएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला होममेड विटामिन सी सीरम घर में बनाना सिखा दूंगी। लेकिन जब तक मार्केट में ऑरेंज है, मैं भी विटामिन सी सीरम नेचुरली ही बनाकर यूज कर रही हूँ। आप भी जब तक ऑरेंजेस बाजार में है उसका फायदा पूरा पूरा उठाएं और नेचुरल विटामिन सी सीरम बनाकर यूज करें। इसके बहुत से अच्छे इफेक्ट्स होते हैं हमारी स्किन पर। बहुत अच्छा टोनर है, पिगमेंटेशन को, स्किन को क्लियर करता है, रिंकल्स को फेड आउट करता है, हर चीज के लिए मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज है। आपको पता विटामिन सी सीरम कितना मार्केट में इन है, कितनी लेडीज बाय करती हैं और कितने इसके बेनिफिट्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं घर में कैसे होममेड अपना ऑरेंज टोनर तैयार करती हूँ आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ भी स्किप हो गया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर आपने कहना कि जो टोनर बताया था इसके कोई बेनिफिट नहीं है। इसके बहुत आउटलास्ट बेनिफिट्स हैं, यकीन करें। आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या चीजों की जरूरत है। इसमें जनाब आपको चाहिए एक पूरा ऑरेंज, लेमन चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए और रोज वाटर चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने मैं ये रोज वाटर अपने घर का होममेड है, ये देखें, मैं ये यूज नहीं करी, मैंने साल पहले बनाया था। मैंने फ्रेश अपना रोज वाटर बनाया, क्योंकि ये जो टोनर है ये सिर्फ हफ्ता ही चलता है, तो इसके लिए मैंने फ्रेश जो है बना लिया है, रोज का जो है रोज वाटर बना लिया फ्रेश। दो फूल लेकर मैंने उनकी पत्तियां तोड़ के पकते हुए पानी में डाल दी हैं। पकते हुए पानी के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको लिड को ढक दिया। अब ये 5 से 7 मिनट इसमें स्टीम हो रहे हैं अच्छे से। ये मैंने ढका हुआ है इसको, अभी इस वक्त ढके हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। इसका सारा फूलों का अर्क आ जाएगा पानी में और ये हमारा एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता, ये वाला जो रोज वाटर होता है। और जो ये रोज वाटर होता है ये 2-3 साल भी आप रख छोड़े इसको कुछ नहीं होता। आपके पास ये वाला फ्रेश नहीं है, आप ये यूज करेंगे रोज वाटर, ठीक है। कोई भी आप बाजार का ले लें, होममेड ले लें, बाजार का बना हुआ मरहबा वालों का, कुछ भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसमें ग्लिसरीन, रोज वाटर, ऑरेंज और लेमन, बस। अब ऑरेंजेस, एक पूरा ऑरेंज को मैंने आपके सामने इसका मैंने जूस निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। जूस निकाल के मैंने एक पूरे ऑरेंज को छान लिया है, ठीक है। छानने के बाद अब आपने इसमें लीमू शामिल करने हैं। अगर बड़े हैं तो आप 4 शामिल करेंगे, मेरे पास एक बड़ा एक छोटा है तो मैं ये 2 शामिल कर रही हूँ। अगर आपकी 120 ml की बॉटल है तो आप 4 से 5 डाल सकते हैं। मेरी बॉटल ये देखें छोटी है, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 डाल रही हूँ, एक बड़ा और एक छोटा। इसको भी मैं इसी में स्क्वीज कर दूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी। इसको भी मैं इसी में जो है अच्छे से निचोड़ लूंगी जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि इसके अगर ये चले जाएंगे बीच में पलट चला जाएगा तो ये फिर स्प्रे नहीं आपके फेस पे सही तरह से होगा, बॉटल में ये फंस जाएगा। आप इसको यूज करें जब तक ऑरेंजेस है बाजार में, बहुत अच्छा टोनर है, यकीन करें, इतने अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं, इतनी स्किन ग्लो करती है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, हर चीज इसमें नेचुरल लगी हुई है। आपको ये नहीं होगा कि ये अरबा ने बता दिया ये पता नहीं हमारी स्किन पे इफेक्ट ना करे, स्किन पे इफेक्ट नहीं होगा आपके। इसको डाल के मैंने अच्छे से इसको भी निकाल लिया है, ठीक हो गया, ये वन बाय वन ड्रॉप जा रहे हैं इसमें। अब जनाब इसमें आपने तकरीबन 6 से 7 चम्मच के रोज वाटर के डाल दिए हैं। ये रोज वाटर ये देखें अभी भी स्टीम निकल रहा है इसमें से, मैं चीजें हटा दूं आपको क्लियरली नजर आए। मैं हर चीज आपके सामने इसलिए बनाना बताती हूँ कि मैं खुद कैसे बनाती हूँ मैं आपको हर चीज बता सकूं। ये मेरे घर का फ्रेश रोज वाटर का रोज वाटर तैयार हो गया, ये एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता अगर आप भी बनाएंगे तो। और ये टोनर भी फ्रेश आपको एक हफ्ते बाद बनाना पड़ेगा। आप इसे फ्रिज में रखें, किचन में आ रहे हैं जा रहे हैं स्प्रे करें, बहुत अच्छे इसके जो है रिजल्ट है। अब ये जो आपका रोज वाटर है ये 5 से 6 चम्मच जाना है, तो मैं आपके सामने या तो चम्मच से नाप लेती हूँ, एक सेकंड में चम्मच ले आऊंगी जी। ये बड़ी चम्मच मैंने ले ली है और ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरी चम्मच में इतना आ नहीं रहा, 7, 8 और ये 9। मैंने अपने अंदाजे से डाल दिया, कम ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी, कोई मसला नहीं, रोज वाटर ही है। मैंने 9 डाल दिया अपने अंदाजे से, आप अंदाजे से 9-10 बड़ी बोतल है तो आप डाल सकते हैं, 13-14 भी डाल सकते हैं। ये जनाब हो गया और इसमें अब जाएगा सिर्फ 1 चम्मच ग्लिसरीन। मैं आपके सामने ओपन कर लूं, एक सेकेंड जी, ये ओपन हो गया है और मैं 1 मिनट के सारा साइड पे कर दूं, गंद अच्छा नहीं लग रहा।
एक चम्मच भर के ग्लिसरीन का डाल दिया। आपकी स्किन ड्राई है, आप 2 चम्मच भी डाल दें, कोई मसला नहीं। ये स्किन को हील ही करती है, अच्छी होती है स्किन के लिए, बुरी नहीं होती। आपको पता है हम बचपन में लगाते होते थे रोज वाटर ग्लिसरीन और लेमन का अर्क बनाकर रात को लगाना हाथों पैरों को स्मूथ करने के लिए, व्हाइट करने के लिए। ये वैसा ही टोनर है जनाब, वैसे ही विटामिन सी से भरपूर है। इसमें नींबू के विटामिन सी है, ऑरेंज का विटामिन सी है, ग्लिसरीन है, हर चीज इसमें। आपके गुलाब डाल दिए जो हम डालते होते थे बचपन में, ये सब कुछ जनाब इसमें आ गया। और ये प्योर प्योर विटामिन सी सीरम टोनर के लिए हमारा तैयार है। अब इसको मैं आपके सामने भर के दिखा देती हूँ, अगर मेरे से गिरे ना तो गिर तो रहा है। नहीं जी, गन तो मैंने डाल दिया, लेकिन बहुत अच्छे से आपको सिखा भी दिया है, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाना था तो मैंने सोचा वीडियो भी डाल दूं बनाकर। ये ले ली, बंद नहीं हो रहा मुझसे। हाँ जी, स्प्रे होने लग गया, ये देखें सही होने लग गया। बस इसको आपने स्प्रे कर लेना किसी भी टाइम, वजू करने के बाद करें, दिन में किसी भी टाइम करें, रात को करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फुल ऑफ विटामिन सी है। पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है इस टोनर को आप कम से कम अभी 1-1.5 माह बाकी है, आप इसे यूज करके देखें और अपने अपने पिगमेंटेशन को खुद रिड्यूस होते हुए देखें, रिंकल को रिड्यूस, और ग्लो चेक करना, आप ग्लो जो है ना शाइन चेक करना अपनी स्किन पे कैसी आती है। ओके जी, थैंक यू, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई कि आपने जब भी इसको फ्रिज से निकालना है तो आपने एक दफा इसको अच्छे से शेक कर लेना, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन डाली हुई है। शेक करने के बाद आपने इसको जो है अप्लाई करना है। ओके जी, थैंक यू।